भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए। अरे ठहरो, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तोता तीनों लोकों में भागा, मगर भोले बाबा ने उसे कहीं भी ठहरने नहीं दिया। तोता भाग रहा है, रास्ते में मिल गए, समझ जाया करो कौन मिल गए, नारद जी। अरे राम राम राम, कहाँ जा रहे हो और इतनी तेजी से भागते हो, क्या हुआ? तोते ने कहा, नारद जी आज बचा लो, आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? अरे भोले बाबा पीछे पड़े हुए, आज मुझे छोड़ेंगे नहीं वो। नारद जी ने कहा, देखो तुम्हें यहाँ कहीं स्थान नहीं मिलेगा, तुम वेद व्यास जी के आंगन में जाओ, वहाँ तुम्हें अवश्य स्थान मिलेगा। तोता भागता हुआ व्यास जी के आंगन में पहुँचा। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था उतीता, ये छत पर खड़ी थी, गर्भवती थी। जमाई आई, मुंह फाड़ा, तोता ने अपना शरीर तो वहीं छोड़ दिया, अंदर जाकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान भोले बाबा ने कहा, अंदर पहुंच गए, 9 महीने बाद निकलोगे ना, तब जान से मारूंगा। तोता बोला, तुम 9 महीने की बात करते हो, 9 साल तक बाहर नहीं आऊंगा, तुम 9 महीने की बात करते हो। भोले बाबा बैठे हैं, 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, व्यास जी का ना हुआ। व्यास जी ने भोले बाबा को देखा और बोला, अरे तुम हमारे यहाँ कैसे पधारे? भोले बाबा ने कहा, तेरे घर में मेरा चोर है और चोर को पकड़ने आया। वेद व्यास जी ने कहा, मेरे घर में चोर है? हाँ, कैसा चोर है? भोले बाबा ने कहा, मैं अमर कथा सुना रहा था और तोते ने अमर कथा सुनी है, अब उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा, जरा दोबारा कहना, क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, उसने अमर कथा सुनी है, उसे कोई मार नहीं सकता है, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी बोले, आज ज्यादा भांग तो नहीं पी ली है, शायद नशा तुमसे झेलना रहा, ज्यादा भांग पी के तो नहीं आए? भोले बाबा बोले, पीता हूँ मगर इतनी नहीं पी रहा, होश तो मुझे रहता है। व्यास जी बोले, कैसा होश है? अरे तुम ही कहती हो अमर कथा सुनी है, वो मर नहीं सकता, मगर तुम उसे कैसे मार सकते हो, ये तुमने नहीं सोचा? भोले बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं कि मैं उसे मार ही नहीं सकता हूँ। तो भोले बाबा ने अपना उठाया त्रिशूल डमरू और वहां से चले गए। इधर 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, जिन्हें परमात्मा की देन थी, जिन्हें पूर्ण अमर कथा का ज्ञान था। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, किसी से कोई संबंध नहीं रखा, और शरीर से नरा लपेटे हुए, नंगे पैर दौड़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा मैया के किनारे पहुंचे, तो सभी ने उठ करके सुखदेव जी का बड़ा ही सम्मान किया, बड़ा ही स्वागत किया, तो और कहा कि ये तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य ही बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कुश के आसन पर बैठकर महाराज परीक्षित को सुंदर वाणी से, पवित्र वाणी से राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुक्ति अवश्य दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे केवल तुम्हारा सुनने से ही उद्धार हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर वाणी से, पवित्र वाणी से राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर पावन कथा सुनाते हैं। अब कथा क्या सुनाई श्री सुखदेव जी ने, यहाँ से आगे की कथा आप सभी कल की पावन बेला में सुनेंगे। और देखो, कल की पावन बेला में
बड़ी ही सुंदर भगवान की पावन कथा होगी, जिसमें भगवान भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ में किस तरह से हुआ, ये पावन कथा आप लोग सुनिएगा। और उसके बाद में भगवान के बड़े ही भक्त की पावन कथा, जिसमें आप सुनेंगे पांच वर्ष के बालक ने अपनी माँ को छोड़कर जंगल में जाकर किस तरह से भगवान के नाम के दीवाने बने। कल आपके बीच में ध्रुव चरित्र होगा, तो आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी भारी से भारी भीड़ में पधारिएगा और भगवान के पावन दरबार की शोभा को बढ़ाए। देखो आप ये लोग कम आओगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा कहने में, क्योंकि वक्ता और श्रोता के एक अटूट बंधन होता है। आप लोग कम आओगे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। और आपको तो पता है कि मैं बहुत भीड़ भाड़ में कथा कहने वाली हूँ, अगर आपको यकीन हो तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करें। और कल की पावन मेला में ठीक 12 बजे से 5 बजे तक भगवान की कथा का समय है, तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए, अरे काम धाम जीवन का रोग है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से। काम धाम ये जीवन का रोग है, कभी गर्मी कभी सर्दी ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो गंगा के किनारे हैं। तो समय का कोई भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए भगवान ने अगर मौका दिया है भगवान पर एहसान चढ़ाने का, तो ऐसे मौके को निकाले नहीं। आप सभी तन मन धन से इस कार्य में सम्मिलित हो और कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए तालियों का साथ देकर एक छोटा सा भजन और तब तक आरती की तैयारी। आइए परीक्षा जी से हमारा